जी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इसके पहले वर्ड्स मीनिंग्स, फिर उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन आपको करवा दूंगी। वर्ड्स मीनिंग्स है इमरजेंस, जहूर, अंडरटुक, जिम्मेदारी ली, एनॉर्मिटी ऑफ टास्क, काम की ज्यादती, शेयर, महज, डिटर्मिनेशन, अजम, स्टर्लिंग मटीरियल, खालिस मादा, मोरल, हौसला, वॉयज, बहरी सफ़र, पाइवेट, मरकजी नुक्ता नज़र, अफाम, वसूख से कहना, ऐलान करना, डिस्टिंक्टिव, इम्तियाजी, सिविलाइजेशन, सकाफत, कल्चर, तहजीब, एम्बिशन, ख्वाहिश, आउटलुक, नुक्ता नज़र, फंडामेंटल, बुनियादी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सियासी शनाख्त, फ्यूटाइल, बेफायदा, बेकार, यूजलेस, वर्शिप, इबादत करना, कास्ट, ज़ात, क्रीड, नस्ल, मॉडरेट, एतदाल पसंद, प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद, टेम्पल, मंदिर, डायनेमिक, मुतहरक, मोटो, असूल, डिसिप्लिन, तंजीम, ओवरकम, काबू पाना। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, पहले कायद विजन का मतलब होता है कायद आजम की फहम व फरासत और पाकिस्तान। कायद विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद आजम की फहम व फरासत और पाकिस्तान। चालू करते पैराग्राफ 1। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तानी इमरजेंस, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के जहूर के इब्तदाई और मुश्किल दौर के दौरान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क की दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, उनका मकसद लोगों में आज़ादी के जज्बे को उभारना था। डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। उन्होंने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा कि काम की संगीनी और ज्यादती के सामने बेबस ना हो जाना। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. अक़वाम-ए-नौ की तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपने पुख्ता अज़म और अपने किरदार के जोर पर तरक्की की। You are made of sterling material and second to none. आप असल तरीन औसाफ के मालिक हैं और किसी से कमतर नहीं हैं। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा मत हों। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। हम इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत वक़ार के तहफ़ के लिए हमें इसका बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, इट हैज़ कम टू स्टे। अपना फ़र्ज अदा करें और पाकिस्तान पर यकीन रखें, ये कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है या ये कायम रहने के लिए ही बना है। Now look at the paragraph number 2. The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslims' unity and oneness as a nation. बर सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के लिए कायद अजीम कायद की तमाम जद्दोजहद का पूरा सफ़र मुसलमान कौम के इतिहाद और बहसीत एक कौम वाहिद के मरकजी नुकता नज़र पर मबनी था। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट। उन्होंने पाकिस्तान बात करते हुए पाकिस्तान के बारे में वाशगाफ अल्फाज में कहा जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। वी आर अ नेशन, ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने से या मार्ज वजूद में आने से 3 साल पहले उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा हम एक कौम ऐसी कौम हैं विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वी हैव आर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, कि हम जो है हम एक ऐसी कौम है जिनकी अपनी मुनफरद सकाफत और तहजीब, ज़बान और अदब, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असलूब, इकदार और करीने का शऊर, कानूनी ज़ाबते और इखलाकी कवायद, रस्म और रिवाज और कैलेंडर, तारीख और रिवायात, मेलान तबाह और आरजुएँ हैं। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना एक इम्तियाजी नुक्ता नज़र है। वी हैव आर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, हमारा अपना एक अलग नुक्ता नज़र है ज़िंदगी के बारे में। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। नज़रिया पाकिस्तान की असास इसी बुनियादी असूल पर थी कि मुसलमान एक अलग खुद मुख्तार कौम है। एनी अटैम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेड और इनके कौमी और सियासी तशख्स को सल्ब करने की किसी भी कोशिश की पुरजोर तरीके से मज़ाहमत की जाएगी।
क़ायदे आज़म वाज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक रासिखुल अकीदा और ईमान वाले इंसान थे। ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल। उन्हें पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर मबनी बनने वाली ये रियासत, पाकिस्तान की नई रियासत, मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। In his Eid message September 1945, Qaid Azam said, "Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually." September 1995 में अपने अहद के मौके पर अपने पैगाम में फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है जो कि पूरे मुस्लिम माशरे और हर शोबा है ज़िंदगी को मजमूई और इनफरादी तौर पर नज़्म व ज़ब्त में लाता है। Paragraph 5. Today the Qaid Pakistan is facing numerous challenges. We have formed today the Qaid Pakistan Pakistan Qaid Azam ka aaj ka Pakistan is facing numerous challenges. Isko mutaddid muqablon ka samna hai ya mutaddid pareshaniyon ka samna hai. We have forgotten how much struggle Muslims have made under the dynamic leadership of Qaid Azam Mohammad Ali Jinnah. Hum bhool chuke hain ki musalmanon ne Qaid Azam Mohammad Ali Jinnah ki bharpoor qiyadat mein kis qadar jadd-o-jahd ki. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. हम Qaid के लहरी असूल ईमान इत्तेहाद तंजीम पर अमल पैरा होकर अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. नौजवानों को इनकी नसीहत याद करके हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। अब ये आप पर मुनहसर है कि काम काम और सिर्फ काम करो और हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे।